हैदराबाद में तनाव बरकरार, पथराव के बाद लाठी चार्ज, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। तेलंगाना के बीजेपी विधायक राजा सिंह ने कथित रूप से पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद हैदराबाद में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीती रात को हैदराबाद के पुराने शहर क्षेत्र सहित कई अन्य स्थानों में जमकर हिंसा हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के शालीबंदा इलाके में भीड़ ने सरतन से जुदा जैसे भड़काऊ नारे लगाए, पुतले जलाए और पथराव किए, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठी चार्ज भी किया। इससे पहले तेलंगाना के बीजेपी विधायक राजा सिंह के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने और धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद विधायक को मंगलवार यानी 23 अगस्त को गिरफ्तार किया गया। हालांकि उन्हें कुछ ही घंटों में जमानत दे दी गई। विधायक को जमानत देने के चलते शहर में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। कथित रूप से पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर विवादित बयान देने के बाद बीजेपी ने विधायक राजा सिंह को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा है कि उन्हें पार्टी से क्यों निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी लोग मामले को लेकर तरह तरह के रिएक्शंस देते नजर आ रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट खालिदा परवीन ने ट्वीट करके लिखा, आदरणीय तेलंगाना डीजीपी महोदय, क्या चल रहा है? क्यों पुलिस वाले घरों में घुसकर युवकों को घसीट घसीट कर पीट रहे हैं? सर, क्या ये तेलंगाना की फ्रेंडली पुलिस है? कृपया इस मामले में संज्ञान लीजिए। एक ट्विटर यूजर ने वीडियो शेयर करके दावा किया, पुराने शहर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने अत्यधिक बल प्रयोग किया, युवकों को बेरहमी से पीटा, लाठीचार्ज में 10 से ज्यादा घायल। एक अन्य ने लिखा, लोकतांत्रिक देश में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें, ताकि देश प्रदेश से जुड़ी हर जरूरी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।